मैडम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? मैं और रोमियो हम दोनों पहुंच चुके हैं रनिंग के लिए। आज ब्रेकफास्ट में फिर से रोटी, नया अचार खरीदा था हमने वो, और कॉफी। अभी जल्दी से कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन अ न्यू व्लॉग टुडे, एंड आई होप आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे और सभी लोग ठीक होंगे। सो विद दिस वी स्टार्ट आवर न्यू व्लॉग टुडे, सो लेट्स बिगिन द व्लॉग। अभी दिन के बज चुके हैं 2 और लंच हमारा हो चुका है। ये रोमियो बैठा है रसगुल्ले के इंतजार में। टिंगू बाहर चला गया रसगुल्ले के, उसकी खुशबू आई तो जैसे ही लंच किया तो याद आया कि रसगुल्ले रखे हुए हैं, तो हम लोग खाने लगे। और खाना जैसे ही मतलब फ्रिज से बाहर निकाले तो इन लोगों को उसकी खुशबू आई। खुशबू आते ही मीठा खाने के तो वैसे शौकीन होते ही हैं ये लोग, और पहले मैं इनको खिला भी देता था लेकिन अभी मैं खिलाता नहीं हूँ क्योंकि इनको खुजली की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो इस टाइम पर इनको मीठा खिलाना सबसे मतलब इनके लिए जहर के बराबर है, इसलिए नहीं खिलाएंगे। जो टिंगू है वो हमारे गाड़ी के अनलॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अभी हम आपको उसका लाइव शो दिखाएंगे। हमने अपने गुस्सा। तो ये था इन दोनों का रिएक्शन जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजता है, और ये फटाफट एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और इनको लगता है कि शायद गाड़ी को कोई चोरी करने आ गया, और उसको पकड़ने के लिए अभी देखो रोमियो का ड्रामा दिखाता हूँ। इसके पीछे आना इसको पता ही नहीं लगता, इसकी पूछ है ना, ये जो पीछे बॉटल रखी है इसको टच हो जाती है और ये इसको पता ही नहीं लगता है कि क्या हुआ, क्या पता ही नहीं लगता कुछ भी। और ये है हमारे टिंगू भाई साहब मसाज करने में, बस इसको है ना, इसको इस तरीके से इसकी कान को है ना ऐसे ऐसे दबाते रहो, इसको पता नहीं क्या मजा आता है, कौन सी कान में इसकी खुजली होती है। शाम के 6 बज चुके हैं और हमेशा की तरह रोमियो और मैं तैयार हूँ जाने के लिए घूमने के लिए। रोमियो वहाँ पे शोर करते हुए आपको शायद दिख जाएगा, हाँ वो रहा, ओ देखो वहाँ पे रोमियो शोर करते हुए। तो अभी हम चलते हैं, वार्म अप मेरा हो चुका है, रोमियो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है और जल्दी से जाता हूँ। मैं और रोमियो हम दोनों पहुँच चुके हैं रनिंग के लिए, जो हमारी इवनिंग वॉक है। रोमियो घूम रहा है अभी, अभी ये थोड़ा हल्का होने की प्रोसेसिंग में है, तो जैसे ही हल्का और हो जाएगा इसके बाद हम फिर से एक लंबी दौड़ लगाने वाले हैं। सामने ये जो डॉगी है ये रोमियो को हमेशा भौंकता है, यहाँ पे किसी ने पत्ते गिरा रखे हैं शायद। और ये ट्रक भाई साहब, इस तरफ आ जा रोमियो, इस तरफ आ जा, चल वापस आ जा, वापस वापस आ जा, चला। मैं इसको इसलिए नहीं लेके जाता है, कई बार है ना बाइक वालों के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वो मास्क लगा के आते हैं और इसको लगता है कि जैसे कोई चोर आ गया। अभी सामने बंदर है, इसको भगाऊंगा नहीं क्योंकि यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अभी बीच में रनिंग करते हुए बंदर आ गए थे, उस टाइम पर ना इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर दोनों हाथों की पावर लगती है, इसीलिए मैं उस टाइम की तो वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन अभी कंटिन्यू है हमारे रोमियो भाई साहब बदमाशी करते हुए। अभी इनकी उम्र बदमाशी की जो है उसमें बदमाशी करते हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको तेज़ भगा तो लेता हूँ, कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन जब से मेरे पैर में चोट लगी थी मैं भाग तो सकता हूँ लेकिन ब्रेक नहीं लगते हैं। मेरे लेफ़्ट पैर के ब्रेक है ना थोड़े से कमज़ोर पड़ चुके हैं, थोड़ा टाइम के साथ ठीक होंगे, तो इसलिए मैं ना इसके ऊपर चांस नहीं देता, इसको भगाता नहीं इतना, बहुत धीरे धीरे भगाता हूँ। अभी आज बस एक ट्रायल था, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा पैर को ठीक होने में। तो अभी आ चुका है हमारे टिंगू भाई साहब का नंबर और टिंगू भाई साहब रनिंग के लिए रेडी हैं यहाँ पे। अभी हम इनको दौड़ाएंगे अच्छे से, तो रनिंग करेगा और 15 मिनट फिर नॉर्मल वॉक करेगा, उसके बाद सीधे घर। तो पांडे जी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, रनिंग करके मैं तो पूरी पसीने से नहा ली हूँ, बट मज़ा आता है बहुत। तो वाकई में आज इतनी ज़बरदस्त गर्मी, क्या था मेरे को तो डबल गर्मी लग रही है। पहले तो मैं रोमियो घुमा के लेके आया और मैं ब्रीदिंग कर रहा था ना, तो मास्क है ना ऐसे क्यों नाक के अंदर घुस रहा था, लेकिन मास्क हटा नहीं सकता था मेरा भी मास्क पसीने से चिपक जाता।
नहीं मेरा चिपका नहीं था, लेकिन बस वो थोड़े तेज ब्रीदिंग हो रही थी तो मास्क भी साथ के साथ खींच रहा था। और अभी हम आ चुके हैं घूम के, अब देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन मेरे केस में उल्टा है पता है, मैं टिंगू टिंगू पीछे भागता है, मैं आगे भागती हूँ टिंगू का पट्टा लेके ऐसे। और टिंगू है ना इधर उधर फैक्ट्री देखता रहता है, मैं कहाँ रुक सकता हूँ, मैं कहाँ रुक सकता हूँ। असल में वहाँ पे क्या है, एक आम का कोल्ड स्टोरेज है और उसको है ना वहाँ पे आम की खुशबू आती रहती है और आम खाने का ये जबरदस्त शौकीन है, तो इसलिए ना वो जैसे ही उसके एरिया में आता है ना वहाँ पे ये रुकना शुरू कर देता है, उसके आगे पीछे तो भाग लेता है। दूसरा रीज़न ये है कि इसकी एज हो चुकी है 8 साल और इसके पैर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए भाग नहीं पाता। बाकी इसने जो रनिंग की है ना, खतरनाक रनिंग की है अपने टाइम पे, मेरे को पता है। मैडम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? अरे नहीं नहीं, अभी तो इतना सारा चैप्टर बाकी है करने के लिए, अभी कैसे ड्रिंक वाटर, सिट डाउन हियर। मैडम मैडम प्लीज जाने दो। नो नॉट एट ऑल। ठीक है मैडम। मैडम मैडम मे आई गो फॉर टॉयलेट? नो नॉट एट ऑल, अभी तो कितना सारा चैप्टर बाकी है, सिट डाउन हियर। पानी ही नहीं पिया तो टॉयलेट कहाँ से आएगा? मैम कल पिया था, उसका आ रहा है। नो बदमाशी नहीं, जस्ट सिट डाउन। अभी एक और वैक्सीनेशन अप्रूव हो चुकी है जॉनसन एंड जॉनसन की, जो कि एक सिंगल शॉट होगा और यूके में अभी अप्रूव हुआ है, देखते हैं इंडिया में कब। जैसे स्पुतनिक 5 है रशिया की, वैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन यूके में अभी अप्रूव हो चुकी है, अब देखते हैं क्या अपने इंडिया में कब तक वो आएगी या इंडिया में उसको मतलब किस तरीके से लाया जाएगा। गुड न्यूज़ ही मुझे लगा शायद आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। टिंगू को मिल चुका है मेरा नमकीन का खाली पैकेट, क्या करना चाहता है इसके साथ? हाँ खाली है ये, स्मेलिंग कि कहीं से मुझे दाना मिल जाए। मिला कुछ है? मिला कुछ? तुझे खोलना तो आता नहीं है कि तू इसके अंदर चेक कर ले। बहुत स्मार्ट बन रहे थे हैं, धीरे धीरे चल के आया था नमकीन खाने, कुछ मिला नहीं ना। टकलू ए टकलू। फ्रेंड्स आज अभी रात बहुत हो चुकी है, सो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अब आ रही है बहुत ज़बरदस्त नींद और हम जाते हैं सोने। हम आपसे मिलेंगे फिर अब एक नए ब्लॉग में, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। पांडे जी आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना तो भूल ही गए कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और फिर मिलेंगे आपसे दोबारा से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अभी मैं और रोमियो एक स्प्रिंट लगाने वाले हैं। रोमियो फटाफट इस तरफ आ जा। रोमियो अभी सामने बंदर है, उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है इस टाइम पर। ये देखो बहुत मुश्किल से रुकेगा ये।